अब हम मोलर चालकता या मोलर कंडक्टिविटी के बारे में जानेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी, जैसा नाम से स्पष्ट है कि किसी भी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम मोल को जब VML सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाएगा तो उन समस्त आयनों की चालकता को हम कहेंगे मोलर चालकता। तो मोलर चालकता की परिभाषा क्या होगी कि किसी भी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता होती है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को VML में विलय करने से उत्पन्न होगी। जो मोलर चालकता होती है उसे हम लेमडा एम से दर्शाते हैं। लेमडा एम, यहाँ पर एम को स्मॉल, यहाँ सबस्क्रिप्ट के रूप में एम को लिखा गया है, जो कि मोलर चालकता को दर्शाने के लिए प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मोलर चालकता यानी लेमडा एम इक्वल टू है कप्पा इंटू वी। तो कप्पा यहाँ पर है विशिष्ट चालकता और वी यहाँ पर तनुता को दर्शाता है, या फिर यहाँ पर वी एम एल में डिजॉल्व जितने भी आयन है 1 ग्राम मोल जो विद्युत अपघट्य का है उस चीज़ को ये दर्शाता है। तो इसे यदि हम सांद्रण के रूप में व्यक्त करेंगे तो यह इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/C। तो यहाँ V जो है V इक्वल टू होगा 1000/C। जो तनुता है वो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जैसे जैसे हम सांद्रण बढ़ाते हैं तनुता के मान में कमी होने लगती है। तो C यहाँ पर सांद्रता पद को दर्शाता है, और चूंकि यहाँ पर हम मोलर सांद्रता से संबंधित पद है हमारा, तो मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सी की जगह पर हम सांद्रण पद को एम के रूप में या मोलरता के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो अब हमारे पास जो सूत्र आएगा वो होगा लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/C के जगह पे हमने लिख दिया एम। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो लेमडा एम का सूत्र है वो हमें प्राप्त हुआ, लेमडा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। तो इसकी यूनिट को भी हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जो इसका सूत्र है उसी आधार पर हम इसकी इकाई को भी ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर जो कप्पा है, कप्पा यानी विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता के लिए इकाई होती है प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ पर जो 1000 लिया गया है उसको हम लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर के रूप में। नीचे हमने लिखा एम, कैपिटल एम मोलरता, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्राम मोल या फिर मोल। तो अब इसको जब हम हल करेंगे तो चूंकि सेंटीमीटर क्यूब है, घन सेंटीमीटर है और प्रति सेंटीमीटर है, तो कैलकुलेट करने पर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आता है प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। यहाँ पर हम जो प्रति ओम है उसे लिख सकते हैं सीमेंस के रूप में, हमने पहले भी पढ़ा है, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये यूनिट हो गई सीमेंस के रूप में। और यदि हम इसे सेंटीमीटर के रूप में लिखेंगे, ओम के रूप में किस तरह से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो इस प्रकार यहाँ मोलर चालकता के लिए हमने जाना कि इकाई क्या होती है। लेमडा एम को कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं, तो लेमडा एम को कप्पा इंटू वी से दर्शाते हैं। कप्पा का मान तनुता बढ़ाने पर कम होता है क्योंकि एक विशिष्ट स्थान यानी 1 घन सेंटीमीटर में उपस्थित आयनों की संख्या में कमी होती है। तो जब 1 घन सेंटीमीटर में आयनों की संख्या में कमी होगी तो विशिष्ट चालकता कम होगी, लेकिन तनुता के मान में वृद्धि होती है, इस कारण से मोलर चालकता के मान में भी वृद्धि होती है तनुता बढ़ाने पर। मोलर चालकता का मान हमने देखा कि तनुता बढ़ाने पर बढ़ता है, और तनुता बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आता है कि मोलर चालकता का मान बहुत अधिक उच्च हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि यह मोलर चालकता चरम सीमा तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर जो मोलर चालकता का नाम दिया जाता है वह होता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। लेमडा एम इन्फिनाइट से इसको दर्शाया जाता है, या इसे सीमांत मोलर चालकता भी कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब हम ये जानेंगे कि तुल्यांकी चालकता क्या होती है। जैसा हमने मोलर चालकता के लिए पढ़ा, सेम वैसा ही तुल्यांकी चालकता के लिए भी पढ़ना है। परिभाषित यदि हम करें तो तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता होगी
जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VML में विलय करने से उत्पन्न होती है। जैसा हमने मोलर चालकता में पढ़ा था, वहाँ हमने पढ़ा था 1 ग्राम मोल और यहाँ हम पढ़ रहे हैं 1 ग्राम तुल्यांक। तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VML मिलियन में डिसॉल्व करने से जो चालकता उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं तुल्यांक की चालकता या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लेमडा EQ तुल्यांक की चालकता को प्रदर्शित करता है। यहाँ भी लेमडा EQ इक्वल टू होगा कप्पा इंटू वी। कप्पा यहाँ पर विशिष्ट चालकता, वी यहाँ पर तनुता। तो इसकी इकाई तक पहुँचने के लिए हम छोटा सा एक सूत्र देख लेते हैं कि विलयन का ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में जो सांद्रण है वह CEQ के रूप में दर्शाया जाता है। सी यहाँ पर सांद्रण पद को दर्शा रहा है और EQ है इसका अर्थ है कि वह तुल्यांकी शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर जो CEQ ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य 1000 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम के लिए होगा 1000 बटा CEQ सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ V इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1000 बटा CEQ सेंटीमीटर क्यूब। तो चूंकि यहाँ पर हम मान जो है V के लिए प्राप्त हुआ है 1000 upon CEQ, तो इसी चीज़ को हम V के जगह पर लिख सकते हैं लेमडा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 upon CEQ। CEQ यहाँ पर इक्विवेलेंट, यहाँ पर सांद्रण को बताता है, यानी तुल्यांकी भार के टर्म में हमने सांद्रण पद को लिया है। और आप सभी ये जानते हैं कि तुल्यांकी भार के टर्म में यदि हम सांद्रता पद को लेते हैं तो हम नॉर्मलता पद से उसे व्यक्त करते हैं। तो CEQ को हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल N यानी नॉर्मलता से। तो यहाँ पर हम सूत्र को लिख सकते हैं लेमडा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 upon N। तो यहाँ पर जो यूनिट आएगी, कप्पा के लिए यूनिट है प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, 1000 को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, और अपॉन में हम लिख सकते हैं चूंकि यहाँ नॉर्मलता पद है तो ग्राम तुल्यांक। तो जब इसे हल करेंगे तो प्राप्त होगा प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम तुल्यांक। तो इस तरह से लेमडा EQ यानी तुल्यांक चालकता के लिए हमें प्राप्त होगा इकाई प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम तुल्यांक। और इसे अगर सीमेन पद में व्यक्त करेंगे तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम तुल्यांक। तो इस तरह से हमने जाना कि तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता क्या होती है। मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता पर आधारित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न पहला है 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन भरने पर 520 ओम हो तो 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता 1.29। यहाँ पर सबसे पहले हम 0.1 मोलर KCl विलयन के लिए जो R है यानी प्रतिरोध है वो है 100 ओम और जो चालकता दी हुई है वह है 1.29। सेल स्थिरांक इक्वल टू चालकता इंटू प्रतिरोध, चालकता की वैल्यू 1.29 इंटू 100 प्रतिरोध के लिए हो गई। तो सेल स्थिरांक का कुल मान यहाँ पर प्राप्त होगा 129 प्रति मीटर। दूसरा यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे कि 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता क्या होगी। तो चालकता बराबर सूत्र है सेल स्थिरांक बटा प्रतिरोध। सेल स्थिरांक यहाँ पर प्राप्त हुआ है 129 और प्रतिरोध 520 दिया हुआ है। हल करने पर वैल्यू आती है 0.248 प्रति ओम प्रति मीटर। तो यहाँ इसके सीमेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो 0.248 सीमेन पर मीटर। अगला क्वेश्चन है 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन की मोलर चालकता। सांद्रता है 0.02 मोल प्रति लीटर इज इक्वल टू 1000 × 0.02। हल करने पर प्राप्त होता है 20 मोल पर मीटर क्यूब। यहाँ पर चालकता के लिए मोलर चालकता ज्ञात करेंगे तो मोलर चालकता इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी
यानी सांद्रता के पद में ले रहे हैं, तो यहाँ चालकता प्राप्त हुई 0.248/20, जो सांद्रता पद है वहाँ प्राप्त हुआ है 20। तो हल करने पर प्राप्त होता है मोलर चालकता 0.0124 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। प्रश्न दूसरा, 298 केल्विन पर 0.20 मोलर केसीएल विलयन की चालकता यदि 0.0248 सीमेंट पर सेंटीमीटर है तो इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम मोलर चालकता का सूत्र लिखेंगे कि लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरता। तो यहाँ हल करने पर प्राप्त होता है 0.0248 × 1000/0.20, वैल्यू आती है 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अगला प्रश्न है, 298 केल्विन पर चालकता सेल में जिसमें 0.001 मोलर केसीएल विलयन है, इसका प्रतिरोध 1500 ओम है। यदि 0.001 मोलर केसीएल विलयन की चालकता 298 केल्विन पर 0.146×10⁻³ सीमेन पर सेंटीमीटर हो तो सेल स्थिरांक क्या होगा। सेल स्थिरांक का सूत्र हम सीख चुके हैं, सेल स्थिरांक बराबर चालकता गुणा प्रतिरोध। तो यहाँ चालकता की वैल्यू है 0.146×10⁻³×1500, प्रतिरोध है यहाँ पर, तो वैल्यू आएगी 0.219/cm, क्योंकि सेल स्थिरांक के लिए जो यूनिट होती है वो प्रति सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 0.5 नॉर्मल लवण विलयन की 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखें तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य जिनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रतिरोध 25 ओम है, तो विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। यहाँ पर जो दूरी है, यहाँ पर L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, A इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रतिरोध R 25 ओम है। विशिष्ट चालकता, चूँकि यहाँ पर सूत्र लेंगे, कप्पा इज इक्वल टू 1/R × L/A, L/A यहाँ पर सेल स्थिरांक को दर्शाता है, R की वैल्यू 25 है, तो 1/25×20/4, तो आंसर आता है विशिष्ट चालकता के लिए 0.2 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। तुल्यांकी चालकता का सूत्र है लेमडा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/N, कप्पा की वैल्यू प्राप्त हुई यानी विशिष्ट चालकता की वैल्यू प्राप्त हुई 0.2×1000/normalता 0.5, तो तुल्यांकी चालकता का मान हमें प्राप्त होगा 400 प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम तुल्यांक। अगला प्रश्न है, 291 केल्विन पर 0.1 नॉर्मल केसीएल विलयन की विशिष्ट चालकता 0.0112 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर पाई गई। यदि इस विलयन से भरे चालकता सेल का इसी ताप पर प्रतिरोध 55 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। यहाँ पर प्रतिरोध का मान दिया है 55 ओम और K की वैल्यू है 0.0112 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। सेल स्थिरांक इक्वल टू विशिष्ट चालकता गुणा R, R यानी प्रतिरोध। कप्पा की वैल्यू दी हुई है 0.0112×55, वैल्यू आती है 0.616/cm। तो ये तो हो गई सेल स्थिरांक की वैल्यू। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध यहाँ पर लिया गया है 5.55×10³ ओम। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर, लंबाई 50 सेंटीमीटर, तो इसकी प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता एवं मोलर चालकता की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम इसी त्रिज्या के आधार पर देख लेते हैं कि त्रिज्या इक्वल टू 1/2 है और
अगर इसे निकालेंगे सेंटीमीटर के फॉर्म में तो 0.5 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जब लेंगे तो सूत्र लिखते हैं ए बराबर पाई आर स्क्वायर। चूँकि यहाँ कॉलम लिया गया है तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं 3.14 इंटू जो त्रिज्या प्राप्त हुई है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर ले लिए तो वैल्यू आती है 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं। अब R इक्वल टू सूत्र हम लिखेंगे, R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रो यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध है, यदि रो निकालना होगा तो सूत्र होगा रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो यहाँ आर की वैल्यू दी हुई है 5.55 इंटू 10^3 इंटू जो ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया 0.785 अपॉन एल, जो दूरी है यहाँ पर ली गई है, दूरी 50 सेंटीमीटर के फॉर्म में है, उसे हम मीटर के लिए भी ले सकते हैं, और चूंकि यहाँ पर हम सेंटीमीटर में से ले रहे हैं तो 50 ही लेंगे, तो अपॉन 50। अब विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यू आती है 87.135 ओम सेंटीमीटर। चालकता बराबर है कप्पा, यहाँ पर कप्पा निकालना है, इक्वल टू 1/ρ, चूँकि यह विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। तो इस आधार पर हम चूँकि विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं तो अब इसी का व्युत्क्रम करने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वह विशिष्ट चालकता की वैल्यू होगी, वो होगी 0.011476 सीमेन पर सेंटीमीटर। मोलर चालकता के लिए सूत्र है लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। तो यहाँ पर जो सी है यानी सांद्रता पद के आधार पर देखेंगे तो वो है 0.05 मोल पर लीटर। इस वैल्यू को हमने लिखना है सी के जगह पर, तो कप्पा की वैल्यू प्राप्त हुई है 0.011486 को हमने राउंड ऑफ कर लिया तो 48 हो गया इंटू 1000 अपॉन 0.05। तो जो आंसर है वो है मोलर चालकता के लिए 229.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हम चालकता को प्रभावित करने वाले जो बहुत सारे अन्य कारक हैं, जैसे विद्युत अपघट्य की प्रकृति है या तनुता है, इनका विभिन्न प्रकार के चालकता पर कैसे प्रभाव पड़ता है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य हमने देखा है कि दो प्रकार का होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य जहाँ पर आयनन जो है वो पूर्ण होता है, पूर्ण रूप से वह आयनित अवस्था में रहता है, तो जैसे जैसे तनुता बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता का मान तो बढ़ेगा लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है जितनी तेज़ी से बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो प्रारंभ से ही बहुत अधिक आयनित अवस्था में, या कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से आयनित अवस्था में है। यदि हम दुर्बल विद्युत अपघट्य को देखें तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में ये कहते हैं कि बहुत ही कम आयनित अवस्था में होता है या जिसका पूर्ण आयनन नहीं होता है। तो जब तनुता बढ़ाते जाते हैं तो आयनन की मात्रा बढ़ेगी, तो जैसे जैसे तनुता बढ़ाएंगे तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसके लिए चालकता का मान बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, क्योंकि वो प्रारंभ से पूर्ण आयनित अवस्था में नहीं है। जैसे जैसे तनुता बढ़ाते हैं आयनों की संख्या में वृद्धि होने लगती है, तो जैसे जैसे तनुता बढ़ाएंगे आयनों की संख्या बढ़ेगी तो बहुत ही तीव्र गति से जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसकी चालकता का मान बढ़ता है। अब हम तनुता किस प्रकार से चालकता को प्रभावित करती है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विशिष्ट चालकता, एक घन सेंटीमीटर की जो चालकता होगी वो होगी विशिष्ट चालकता। तो जैसे जैसे तनुता बढ़ाएंगे उस एक घन सेंटीमीटर स्थान पर उपस्थित जो आयनों की संख्या है वो कम होने लगेगी। तो जब विशिष्ट स्थान पर यानी एक घन सेंटीमीटर में आयनों की संख्या में कमी होगी तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता के मान में भी कमी होती है। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता का मान उच्च होगा और दुर्बल के लिए मोलर चालकता का मान कम होता है। अलग अलग जो विद्युत अपघट्य होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, उसके समान शक्ति के विलयनों की चालकता भी भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर जो विशिष्ट चालकता पर तनुता का जो प्रभाव है
वो हम देखें कि विशिष्ट चालकता तनुता के बढ़ाने पर बहुत अधिक कम होने लगती है। विशिष्ट चालकता के मान में धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी हो रही है तनुता बढ़ाने पर, लेकिन तनुता का मान इतना अधिक बढ़ जाता है कि दोनों को यदि सम्मिलित करें तो मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है। और यही हमने जाना कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं उसके लिए जो मोलर चालकता का मान है वह सदैव जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं उनकी तुलना में अधिक होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य में तनुता बढ़ाने पर चालकता के मान में जो वृद्धि है वह तेजी से होगी अवश्य ही, लेकिन यदि मोलर चालकता दोनों को कंपेयर करें दुर्बल और प्रबल के लिए तो सदैव प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता का मान उच्च होगा, दुर्बल के लिए निम्न होगा। तुल्यांकी एवं मोलर चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर हमने देखा कि कैसे बढ़ता है। यहाँ पर हम यदि सूत्र लेते हैं तो लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू वी, इसी तरह से लेमडा ई क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू वी, तो दोनों स्थिति में हम देखते हैं कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता के मान में वृद्धि होती है। यहाँ प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए यदि मोलर चालकता की गणना की जाती है तो उसके लिए डिबाई हक्कल ओनसागर समीकरण या डीएचओ समीकरण का प्रयोग किया जाता है। डीएचओ समीकरण को हम व्यक्त करते हैं लेमडा एम, यहाँ सी कंसंट्रेशन लिया गया, इक्वल टू लेमडा एम अनंत तनुता, यहाँ पर जो इन्फिनाइट है वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता को दर्शा रहा है, माइनस ए सी यहाँ पर हाफ, तो यहाँ पर ये सी स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं और सी इस तरह से ऊपर हाफ के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर लेमडा एम सी इक्वल टू लेमडा एम इन्फिनाइट माइनस ए सी वन बाई टू, तो इस तरह से जो डिबाई हक्कल ओनसागर समीकरण है उसको व्यक्त किया गया। इस समीकरण में जो हम ये लेमडा एम सी देख रहे हैं यानी सी सांद्रता पर किसी भी जो विद्युत अपघट्य है उसकी मोलर चालकता है, यहाँ पर जो इन्फिनाइट है इन्फिनाइट स्थिति में लेमडा एम है मतलब अनंत तनुता पर मोलर चालकता को व्यक्त कर रहे हैं, और यहाँ जो सी है वो सांद्रता पद को दर्शाता है। तो यहाँ जो ग्राफ बनाया गया है वह ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं कि अंडर रूट सी यानी सी के वर्गमूल एवं यहाँ पर लेमडा एम सी, सी कंसंट्रेशन पर लेमडा एम सी के आधार पर हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो एक सरल रेखा समीकरण की पूर्ति होती है डिबाई हक्कल ओनसागर समीकरण में, यहाँ देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जो c है वो यहाँ पर अंतःखंड को दर्शाता है, m यहाँ पर स्लोप को दर्शाता है, और जो y अक्ष है y अक्ष पर लिया गया है लेमडा एम सी, और जो x अक्ष पर है वहाँ लिया गया अंडर रूट c जिसे हमने c 1 बाई टू के रूप में भी दर्शाया है। यहाँ पर जो लेमडा एम सी का मान है वो लेमडा एम अनंत तनुता के बराबर हो सकता है यदि सांद्रता को शून्य कर दिया जाए, जो हमने देखा कि जब सांद्रता को बहुत अधिक कम करते हैं या तनुता को बहुत अधिक बढ़ाते हैं तो सांद्रता को कम करते करते ऐसा देखा गया है कि मोलर चालकता का मान बिल्कुल चरम सीमा तक पहुंच जाता है। इस स्थिति को हम कहते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या सीमांत मोलर चालकता भी कह सकते हैं। तो इस आधार पर जब हम इस ग्राफ में देख रहे हैं कि दो प्रकार के विद्युत अपघट्य को लिया गया है, इस ग्राफ में एक सीधी रेखा KCL की है और नीचे CS3COH जो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसके लिए एक कर्व मिला। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि KCL जो कि प्रबल विद्युत अपघट्य है उसके लिए मोलर चालकता का मान ऊपर है क्योंकि उसके लिए जो सीधी सरल रेखा प्राप्त हुई है वो ऊपर है, और जो एसिटिक अम्ल है उसके लिए जो कर्व प्राप्त हुआ है वो उसके नीचे है। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि जो मोलर चालकता है प्रबल विद्युत अपघट्य की है वो अधिक होगी और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता का मान कम होगा। जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाएंगे दोनों ही चालकता का मान बढ़ता है, लेकिन जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वो पूर्ण रूप से आयनित होते हैं तो उसमें जो चालकता का मान है वो उतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ता है, लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं एसिटिक अम्ल उसमें पूर्ण आयनन नहीं होता है। जैसे जैसे तनुता बढ़ाते जाते हैं उसमें आयनों की संख्या तेजी से वृद्धि होती है तो गतिशीलता भी बढ़ेगी तो चालकता का मान बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है।
इस ग्राफ में हम देखते हैं कि सीएल का जो ग्राफ है उसे अगर हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, बहिर्वेशन उसका किया जाए या एक्स्ट्रापोलेशन किया जाए, तो यह इस रेखा को यानी वाई अक्ष पर ये टच हो रही है। तो यहाँ जो बिंदु प्राप्त हुआ है वह होगा अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो इस जगह पर हम देखते हैं कि किसी भी प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर भी ज्ञात की जा सकती है। लेकिन वहीं आप देखिए कि जो एसिटिक अम्ल का जो कर्व है वह इस लाइन तक नहीं पहुंचता है, वाई अक्ष तक ये नहीं पहुंच पा रहा है, चाहे हम इसका बहिर्वेशन भी करें, क्योंकि ये जो कर्व है वो इस तरह से प्राप्त हुई है। तो यहाँ सिद्ध होता है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ग्राफ की सहायता से या डिबाई हक्कल ओनसागर जो समीकरण किस प्रकार सरल रेखा समीकरण को फॉलो करता है, और इस आधार पर जैसे जैसे तनुता बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रबल विद्युत अपघट्य है उसके लिए एक्स्ट्रापोलेशन करके हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता की स्थिति तक पहुँच सकते हैं। अनंत तनुता पर ये देखा गया कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन तो पूर्ण हो रहा है, यानी कम्प्लीटली वो आयनाइज स्थिति में आती है, लेकिन यदि प्रति इकाई आयतन में देखा जाए तो उसमें आयनों की संख्या में कमी होती है। इसलिए इसका जो निर्धारण है यानी जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण है वो डायरेक्ट पद्धति से नहीं किया जा सकता, इनडायरेक्ट पद्धति का प्रयोग किया गया और कोलराश के नियम की व्युत्पत्ति यहीं से हुई।